चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टिश्यू की बात करते हैं, नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ये होते क्या है पहले इसको समझ लो, काम क्या होता है ये समझ लो, फिर इसके बारे में बात करते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए हमारे बॉडी में आपको पता होगा कि सबसे सेंट्रल में ब्रेन है ना, ब्रेन कुछ लोगों में नहीं होगा तो जिसके में है तो वो क्या है कि वो शरीर का पूरा काम ये कंट्रोल करता है। और आपको पता है कि ब्रेन के पीछे से एक निकलता है पूंछ की तरह स्ट्रक्चर जो हमारे जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको पता होगा। और ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारे बॉडी का पूरा काम ये कंट्रोल करते हैं। हमें जो इच्छा है, हमें जो करना है, हम जैसे करते हैं, जो भी मेंटेन कर रहे हैं, और सारा बॉडी का जो फंक्शन हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में। ठीक है, तो अब हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को माना, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, बोन्स है, हाथ है, पैर है, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं एक तार के द्वारा। ठीक है, जो तार होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व्स। जैसे ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है, दिस इज नर्व्स। ठीक है, ब्रेन कंट्रोल कर, कुछ स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं। देखिए उस स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकली हुई है, कुछ ब्रेन से नर्व्स निकली हुई है ना। तो जो ब्रेन से नर्व्स निकल के ऑर्गन तक जा रही है, ठीक है। अब ये नर्व्स में दो प्रकार के होते हैं, सेंसरी और मोटर, उस पर बात करेंगे बाद में, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नर्वस सिस्टम। तो ये जो नर्व्स जा रही है, जो ब्रेन से निकली है नर्व्स, उसको कहते हैं क्रेनियल। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व। और जो नर्व निकला है स्पाइनल कॉर्ड से, उसको कहते हैं स्पाइनल। तो यानी हमको एक चीज समझ में आ गया कि हमारे पूरी बॉडी में, क्योंकि सारी बॉडी का ऑर्गन जुड़ा ब्रेन से, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मुख्य अंग है, और बाकी पूरे शरीर में एक जाल है नर्व्स का, जो कौन से है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल। बॉडी में पता होगा क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, 24, और स्पाइनल नर्व कितना होता है, 31 पेयर होता है हमारी बॉडी में। इतने सारे नर्व्स होते हैं, ठीक है, सर्वाइकल थोरैसिक लंबर सैक्रम लोअर बात बात करेंगे नर्व सिस्टम में। तो ये जो सारे नर्व्स है, ये सारा ब्रेन, सारा स्पाइनल कॉर्ड, सारा लपर चंगा है, सारा ताम झाम है, तो वो भी किसी टिश्यू सेल से बना होगा, किसी टिश्यू से बना होगा। तो वो टिश्यू जिस सेल का बना होता है, उस सेल का नाम होता है न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन। यानी जो न्यूरॉन है, ये हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन सभी का सबसे छोटा यूनिट। यानी जिस टिश्यू से ये सारे चीज बने हैं, वो कौन सी टिश्यू है, वो नर्वस टिश्यू है, और उसका एक सेल का नाम क्या है, न्यूरॉन। क्लियर हो गया। अब हमको ये समझना है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत बेसिक होता है, इसको बनाने का बस यही तरीका है, राक्षसनुमा स्ट्रक्चर बनना है, ये बनाइए और ये लाइन खींच दी थी। तो आपको जो स्ट्रक्चर ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, एक बड़ा पार्ट दिख रहा है, एक लंबा पार्ट दिख रहा है, एक्चुअली जो बड़ा वाला पार्ट है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, और इसका स्ट्रक्चर से कुछ यूं फाइबर नुमा स्ट्रक्चर निकले होते हैं। ठीक है, दिस इज द फाइबर स्ट्रक्चर निकले होते हैं। ठीक है, ये जो फाइबर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो आपको मेन पार्ट दिख रहा है, इसको साइटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो नीचे डंडा वाला भाग निकला है, इसको एक्सॉन कहते हैं। This is called exon. तो cytosol के structure में अगर देखा जाए तो एक बीच में nucleus है, और nucleus के बाद ये जो आपको fibers दिख रहे हैं, this is called dendrites. क्या बोलते हैं इसको? ये dendrites हैं जो signal को pass करते हैं एक neuron से दूसरे neuron में, तार antenna है। This is the dendrite. cytosol के structure में हमको क्या दिख रहा है? Dendrite दिख रहा है, dendrite दिख रहा है। अच्छा, इसके अंदर राइबोसोम के पार्टिकल्स भरे होते हैं। इसके पार्टिकल राइबोसोम, ये राइबोसोम का पार्टिकल है, और इसको सबसे पहले देखा था एक साइंटिस्ट ने, निजल। किसने देखा था, निजल। इन्होंने इस पार्टिकल का नाम रख दिया निजल ग्रेन्यूल। क्या नाम रख दिया, निजल ग्रेन्यूल, यानी हिंदी में कहे तो निजल के कण, है ना। निजल भैया देखे थे, तो निजल ग्रेन्यूल हो गया ना। ठीक है, तो अब ये साइटॉन का स्ट्रक्चर समझ लेंगे। साइटॉन का स्ट्रक्चर जो कि बड़ा पार्ट है न्यूरॉन का, उसमें एक न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स लगे हुए हैं, और अंदर जो पार्टिकल है उसका नाम क्या है, निजल ग्रेन्यूल। अब नीचे वाले बात करें तो एक्सॉन की बात करें, एक्सॉन के नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी कुछ फाइबर नुमा स्ट्रक्चर निकले होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नर्व एंडिंग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नर्व एंडिंग, या इसको टीलोडेंड्रिया भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज टीलोडेंड्रिया। नर्व एंडिंग है और टीलोडेंड्रिया है, एक्सॉन एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, नीचे भी कुछ फाइबर्स लगे हुए हैं। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में एक बड़ी प्रोटीन की मोटी सी परत होती है,
आप देखिए इसके स्ट्रक्चर में प्रोटीन की मोटी सी परत है और जो प्रोटीन की परत है ये इसको माइलिन सीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइलिन सीथ। यानी कि एग्जॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर एक मोटी सी परत होती है प्रोटीन की। इसको थोड़ा सा अलग दिखाते हैं आपके पास कलर पे कलर से बनाना। तो ये क्या हो रहा है जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड माइलिन सीथ। अच्छा कहीं कहीं पे माइलिन सीथ आपको अब्सेंट दिख रहा है, जैसे यहाँ अब्सेंट है, यहाँ अब्सेंट है, ये अब्सेंट है, ये इसको बोलते हैं नोड। और जिसने खोजा था साइंटिस्ट रेनवियर, अपने रेनवियर सिंह भी हो सकते हैं, ये नोड ऑफ रेनवियर इसको कहा जाता है, नोड ऑफ रेन माइलिन सीथ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है जब भी सिग्नल पास होता है तो जंप पकड़ के पास होता है, माइलिन सीथ माइलिन सीथ माइलिन सीथ, तो उससे सिग्नल तेज तेज जाता है, ठीक है ना, सिग्नल थोड़ा सा तेज जाता है। तो अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन का। स्ट्रक्चर में दो पार्ट है, साइटॉन और एक्सॉन। साइटॉन में न्यूक्लियस, डिजिटल ग्रेन्यूल और डेंड्राइट्स, एक्सॉन में माइलिन सीथ, नोड ऑफ रेनवियर और रेटिकुलम ऑफ रेनवियर। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है हमारा। ये यूनिट खत्म और भगवान की असीम अनुकंपा से सबसे बड़ा यूनिट जो था यूनिट वन। डी फार्मा की बात करें तो करीब चार यूनिट खत्म हो गए। अगर डी फार्मा की बात करें फर्स्ट ईयर की तो चार चैप्टर खत्म हो गए। अब बी फार्मा की बात करें तो एक यूनिट खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से यूनिट सेकंड स्टार्ट करें, ठीक है। 15-16 लेक्चर टोटल थे जिसमें हमारा पूरा यूनिट खत्म, ठीक है। चलिए लिखिए माइलिन सीथ पर। कौन से बताते हैं? तो मैम न्यूरोलिम्बा बताएंगे।